हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, किताब पर ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट तो उससे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, करंट में आपसे बात क्या करना चाहते हैं, इनके इंटेंशंस क्या है इस वक्त आपके लिए, एंजल्स का आपके लिए मैसेज क्या है करंट में, ट्रू मैसेज यूनिवर्स। इस वक्त तेरे यूवर्स की क्या फीलिंग्स है इनके पार्टनर के लिए, इस वक्त तेरे यूवर्स की क्या फीलिंग्स है इनके पार्टनर के लिए, इस वक्त मेरे यूवर्स की क्या फीलिंग्स है इनके पार्टनर के लिए। अवेटिंग रिजल्ट, आप इनकी तरफ से एक्शन का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि के हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सैड हो, अनहैप्पी हो इनके बिना, और जैसे कि ज़्यादातर लोगों से दूर रह रहे हो, किसी से मिक्सअप होना आपको करंट में अच्छा नहीं लग रहा है, और सिर्फ जैसे कि इनकी तरफ से एक्शन का इंतजार कर रहे हो। क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है आपका, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, जैसे कि मेडिटेशन के ऊपर भी फोकस नहीं हो रहा होगा, भगवान की अगर पूजा भी करते हो तो वो भी दिल से करने का इच्छा नहीं हो रहा है करंट में, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो। और जो कि ये सारी बातें बोलूँ तो बोलूँ किसको, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोलना तो चाह रहे हो जो भी आपको तकलीफ हो रही है करंट में, लेकिन नहीं बोल रहे हो। जो कि आपको ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर भी आपसे जैसे कि बहुत कुछ बोलना चाहते, लेकिन पता नहीं मुझे फील हो रहा है, जो कि उनको देखकर आपको लगता भी होगा कि आपसे करंट में बात करने की एनर्जीज में है, लेकिन वो बात नहीं करते हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है करंट में, ऐसे भी सोच रहे हो। और रिव्यूड है यहाँ पे, यस आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, जो कि दोनों ही इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। नंबर 16, 6, 7, 5, 3, 1 आपके आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकता है। और जो एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यस, आपके पार्टनर जैसे कि यहाँ पे 17 चक्रा भी ब्लॉक है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज करंट पे चल रहे हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। यस, जिस तरह से मैंने बोला कि वाटर में रिबिल्ड है, आप दोनों इस रिलेशनशिप में फिर से स्टार्ट करने के लिए करंट पे रेडी हो, जो कि ये आपसे बहुत सारी बातें जो करंट में शेयर नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर जो कि लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे आने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत हो गया, बहुत मैंने जो कि कोल्ड बिहेवियर दे दिया, बहुत मैंने इनजस्टिस कर लिया, गलत काम कर लिया, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हुई है, बैड वर्ड्स यूज किए गए हैं, वो बातें करंट में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं, और जो कि आपसे बात करना, आपके इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। इनका मेल फीमेल साइड बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल भी बन चुके हैं, और अगर पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो प्रैक्टिकल भी बन चुके हैं, और जो कि आपसे भी करंट में उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी बहुत इमोशनल और रोते रहते हो, हमेशा शिकायतें करते रहते हो, तो करंट में जो कि आपको शिकायतें करना बंद कर देना है, और जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, बचपन को साइड में रखो, आपके पार्टनर करंट में इस तरह से उम्मीद कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन लीड लेंगे, आपसे बात करेंगे। और नंबर 4 जो कि एक हाउस को शो करता है, घर को शो करता है, ठीक है, आपके लिए दुनिया बनाना चाहते हैं, आपका सपना पूरा करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और जो कि ये खुद होकर बात करेंगे, ठीक है। ये अपने जो भी इस रिलेशनशिप का पास्ट है, बुरा पास्ट, उस पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं, जो भी गलत बातें हुई है उसको भूल चुके हैं, और जो कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए उन गलत बातों को भूलने के लिए। हो सकता है कि इन्होंने गलत किया है तो अपने आप को इन्होंने जैसे कि माफ़ कर दिया है, क्योंकि इनको ये पता चल चुका है कि जब तक मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगा तब तक तो मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो पहले तो ये सेल्फिश है, प्रैक्टिकल है, और जो कि इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि इनको इनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो कि खुद को पहले माफ़, यस मेरी गलतियों के लिए मैंने माफ़ कर दिया, जो कि अब मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, उसको अपनाना है, रिबिल्ड करना है, इस तरह की एनर्जी थी। तो अगर आप बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में चल रहे हो, ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे और 4 दिनों में आपसे बात करेंगे, ठीक है, बहुत डिले हुआ तो 4 हफ्ते, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, और जो कि आपका रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर करंट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हम देखते हैं इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिविंग या रिसीविंग के एनर्जीज में आना चाहते हैं,
प्यार दो, प्यार लो, दिल दो, इस तरह की एनर्जी दे, गिविंग एंड रिसीविंग, ये लीड लेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, इनके इंटेंशंस में आया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स मानते हैं, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट मानते हैं, और जो कि यस इंटेंशंस ट्रू है, आपको अपना बनाना है, ये मेन इंटेंशन है इनका करंट में, निकल चुके हैं आपके पास आने के लिए। हम आपके लिए एंजल गार्डन्स देख लेते हैं। तो एंजल्स ने आपको यही बोला है करंट में कि ये पर्सन ने अगर आपसे पहले पास में मूव ऑन किया था, आपको छोड़कर चले गए थे, तो करंट पर जो कि इनके साथ जैसे कि रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्जर्व करो पहले, जब ये आएंगे आपसे बात करेंगे, या तो कुछ भी कॉल मैसेज भी आता है, बात कॉल पे भी कर रहे हैं, तो आपको इनको ऑब्जर्व करना है, इनके वाइब्रेशंस आपको फील होंगे, ठीक है। अब वाइब्रेशंस को फील करो और जो कि सोच समझ कर कोई डिसीजन लो, ठीक है। यूनिवर्स आपको ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे हैं करंट में, इनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा करने से पहले ऑब्जर्व करो, और अगर ऑब्जर्व करने के बाद भी आपका दिल कह रहा है, अगर आपको इनके वाइब्रेशंस फील हो रही जो कि ट्रू है, ट्रू एनर्जीज फील हो रही, कहीं भी आपका दिल ये नहीं बोल रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आपको इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में फिर से एंटरटेन नहीं करना है। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, इस बार मेरा पार्टनर जो कि सच्चे दिल से मेरे पास आया है, अगर ऐसा कुछ आपका दिल आपको बताता है, तो डेफिनेटली हीलिंग बिगिंस, आपका रिश्ता हील होने वाला है, इस तरह से यूनिवर्स करंट में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।